हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तरन किचन पे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी सम स्वीट पोटैटोज़, यानी कि आलू के स्नैक्स बनाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस बनते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आप ध्यान से देखें वीडियो को अंत तक कि कैसे बनाए जाते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि जो भी वीडियो आपको तुरंत पहुँचे जल्द से जल्द। स्नैक्स बनाने के लिए मैंने कुछ वाइट और कुछ रेड पोटैटो लिए हैं। इनको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया, इनकी मिट्टी बिल्कुल साफ़ कर दिया, और अब हम इसको बॉईल करेंगे 70% तक, ताकि ये 70% तक बॉईल हो जाए। उसके बाद हम इनको बेक करेंगे। इनका छिलका बिल्कुल नहीं उतारना है हमने। आलू हमारे 70% तक बॉईल हो चुके हैं। इनको बॉईल होने में 25 से 30 मिनट लगे। अब हम इनको निकाल लेंगे। सभी पोटैटोस को हम बेकिंग ट्रे पे एक एक करके निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से रख लेंगे थोड़ा दूरी में। बिल्कुल इसी तरह से रखना है, थोड़ा थोड़ा दूर रख करके। इस तरह से रखने के बाद किसी मैशर से, जैसे कि इस मैशर से मैं मैश कर रही हूँ, इसी तरह से मैश कर लेना है दबा के अच्छे से। सभी पोटैटो को मैश करने के बाद इस पे लगाएंगे ऑलिव ऑयल, या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं आप। ऑयल लगाने के बाद हम इस पे डालेंगे गार्लिक। मैंने फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक डाला है, और साथ में सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और ब्लैक पेपर। आप चाहे तो गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको बेक करेंगे 220 पे 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया बेक हो रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पोटैटो कितने बढ़िया क्रिस्पी लग रहे हैं। अब हम इनको पलट लेंगे सभी को इसी तरह से। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं क्रिस्पी। सभी पोटैटोस को पलटने के बाद हम फिर से इस पे डालेंगे ऑलिव ऑयल। और सॉल्ट, गार्लिक चॉप किया हुआ और ब्लैक पेपर, ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको फिर से बेक कर लेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बेक करने के बाद हम डालेंगे चीज़। आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं वो डालें। मेरे पास मोजरेला चीज़ थी तो मैं वही डाल रही हूँ। चीज़ को मेल्ट करने के लिए हम 3 से 4 मिनट के लिए और बेक करेंगे। ये देखिए पोटैटो हमारे कितने बढ़िया क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इस पे डालेंगे पार्सले। इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। आप चाहे तो धनिया डाल सकते हैं। गर्मा गर्म परोसने के लिए तैयार है। देखो फ्रेंड्स, कितने बढ़िया और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। अभी इसी तरह से बनाएं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।